हेलो गाइस, वेलकम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं हैकर रैंक के ऊपर कि हैकर रैंक क्या है। ठीक है, बेसिकली हैकर रैंक एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बिगनर हैं, अभी अभी कोडिंग स्टार्ट किया है। ठीक है, बिगनर लोग जो होते हैं उनके पास एक्चुअली रिसोर्स नहीं हो पा मिलता है कि कहाँ से क्वेश्चन लाएँ, कहाँ कोड करें, कैसे करें। तो हैकर रैंक उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैकर रैंक एक कोड कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं सारे टैब क्लोज कर देता हूँ और गूगल पे जाना है। ठीक है, और हैकर रैंक सर्च करना है। मैंने हैकर रैंक सर्च किया और यह हैकर रैंक की वेबसाइट को ओपन कर लिया। ये रहा आपका, ये हैकर रैंक का ऐसा इंटरफेस होता है। यहाँ पे आपको कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे जस्ट, और क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो ये कंपनीज के लिए है, ये डेवलपर के लिए। तो आप लोग यहाँ पे डेवलपर पे रहना है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पे देखो एक साइन अप का आपको दिख रहा होगा, साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट जो है ना, ये भी हाईलाइटेड नहीं, हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे इनपुट नहीं करना चाहते मैन्युअली, तो फेसबुक से, गूगल से, लिंकडिन से और गिटहब से भी साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको सीधा लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करना है और अपना जो है डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। डिटेल फिल करने के बाद सीधा लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रिपेयर बाय टॉपिक्स। तो यहाँ पे आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको कोई क्वेश्चन करना है, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। तो आपको जिस तरह, जिस लैंग्वेज में आपको कोड करना है वो लैंग्वेज पे आप क्लिक करके कोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल जावा पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग जावा में ही देखने वाले हैं क्या करना है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे देख लो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे, देख सकते हो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इतना नहीं कर पाओगे आप लोग, या इनफैक्ट बहुत कम, शायद ही कोई होगा जो इतना कर लेगा। लेकिन अगर आप बिगनर हो ना, तो बिगनर से ऊपर से स्टार्ट करो यहाँ से, और बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करते जाओ और आपकी कोडिंग इम्प्रूव हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जैसे आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करोगे ना, जैसा अभी मैंने किया, तो यहाँ पे दो सेक्शन आएंगे। पहला, लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे वर्क करना है। ठीक है, और राइट साइड में आपको यहीं पे एडिटर दे दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी, बट ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बस इतना मिलेगा। ठीक है, आपको एक क्लास बना हुआ मिलेगा और ये मेथड बना हुआ मिलेगा। तो आपको कोडिंग यहाँ से लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको देख लो सैंपल आउटपुट में क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड एंड हेलो जावा, ये प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से प्रिंट करा सकते हो। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना आप, ये जो क्लास का नाम है पब्लिक क्लास सॉल्यूशन, ये क्लास को कभी चेंज मत करना आप। अगर आप चेंज कर दोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, बिल्कुल भी रन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आपका कोड लिख लेते हो, कोड कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे आपको पहले रन कोड पे क्लिक करना है। रन कोड पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पे दिखाएगा आपको, यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। पहला चीज़ आएगा आपका योर आउटपुट, ठीक है, और यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट, आपने जो कोड किया है ये आउटपुट आपका आ रहा है, और जो क्वेश्चन है एक्चुअल में उसका ये आउटपुट है। आपको ये दोनों आउटपुट अगर जो सब मैच हो जाएगा सेम टू सेम, ठीक है, तो आपका कोड जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको लिखेगा ही कॉन्ग्रेचुलेशन, सैम्पल टेस्ट केस पास। ठीक है, तो उसके बाद जैसे आपका रन कोड हो गया, देन उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये देखो सबमिट पे क्लिक किया मैंने, सक्सेस हो गया। ठीक है, ये एक एक प्रोग्राम हमारा बन गया। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे लिखा नेक्स्ट चैलेंज, नेक्स्ट चैलेंज पे क्लिक करो आप और यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो नेक्स्ट चैलेंज यहाँ से भी ले सकते हो, अगर आपको नहीं यहाँ से लेना तो वापस आ जाओ यहाँ पे जावा पे। ठीक है, और फिर से वापस यहाँ पे देख ले, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे क्लिक करो और ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे आपको ये लेफ्ट साइड में क्वेश्चन रहेगा, राइट साइड में एडिटर रहेगा, आप
क्वेश्चन को पढ़ के और यहाँ से आप कोट कर सकते हो, ठीक है। और दो तीन चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। तो यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हो इधर फिल्टर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस है, सॉल्व जितने क्वेश्चन किए हैं आप उस पर टिक मार करोगे तो सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, अनसॉल्व वाला अनसॉल्व मिलेगा। और यहाँ पे स्किल सेट पे आप यहाँ पे अपना जो लेवल है आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे जावा बेसिक है, जावा इंटरमीडिएट है, जावा प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप कर सकते हो। और यहाँ भी देखो डिफ़िकल्टी यहाँ पे है, डिफ़िकल्टी इजी, मीडियम, हार्ड, जैसा भी आपको करना है तो कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, बहुत सारे होते हैं। अभी जावा में मैंने रिसेंटली अभी कोड करना स्टार्ट किया था इसमें, इस प्लेटफॉर्म पे, तो मेरा इसमें अभी देखो 1 स्टार है। आप लोग जैसे जैसे कोड करते जाओगे आपको स्टार मिलता जाएगा। जैसे देखो मैंने पाइथन में कोड किया हुआ था, ये बहुत पहले मैंने किया हुआ था, इसमें 3 स्टार मिला है। आप मुझे इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आप कोड करोगे ना, हर कोड पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। मोस्टली जो मिड लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अभी देखो मुझे 105 पॉइंट्स और चाहिए मुझे। अगर 105 पॉइंट्स मुझे मिल गए, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मैं 4 स्टार कोडर बन जाऊँगा, ठीक है। तो अभी इस प्लेटफॉर्म पर मैं कोडिंग करता नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी